आज मैं आपको जो प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ, ये इंदिरा नगर मुंशी पुलिया पे सिचुएटेड है, गेटेड कॉलोनी है, बसा हुआ एरिया है, पूरी डेवलप्ड सोसाइटी है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पूरा मकान है ये फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट पे आपको लोहे का आप देखेंगे पूरा जाल बना हुआ है, प्लस आपका टफन ग्लास का इस्तेमाल किया गया हुआ है। ये पूरा मकान का एलिवेशन है। अभी हम पोर्ट एरिया पे यहाँ पे खड़े हैं, पार्किंग स्पेस है, तो ये एक बड़ी पार्किंग स्पेस दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे आपकी ये मांग के चलिए कि स्विफ्ट डिज़ायर है या सिविक है जैसी बड़ी गाड़ी भी आपकी यहाँ पे पार्क हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये आपका लॉन का स्पेस है, और प्लस इधर से ही सामने से एंट्री दिया गया हुआ है आपके गेस्ट रूम की, तो आपकी पूरी एंट्री आएगी। ये पूरा हॉल सामने आएगा, ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग का स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। और जो सेकेंड एंट्री आती है ये आपका इस साइड से आएगी, जो कि आपके स्टेयर से बगल से आएगी। तो चलते हैं ड्राइंग रूम के स्पेस के अंदर। और सबसे पहले अगर आप यहाँ पे दरवाजे की हाइट देखेंगे तो ये 8 फुट की पूरी ये हाइट दी गई है पूरे डोर की। यहाँ पे जो स्पेस है ये टीवी कैबिनेट के लिए छोड़ा गया है, कि अगर आप यहाँ पे अपना एलईडी टीवी वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये टीवी कैबिनेट भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर स्विच और सॉकेट दिया गया है। स्विच और सॉकेट जो दिया गया है ये सारी एंकर कंपनी के दिए गए हैं। अंदर की जो वायरिंग है ये सब एंकर कंपनी की दी गई हुई है। ये आपकी फ्रंट से एंट्री आई है, फ्रंट का भी आप डोर देखेंगे तो ये पूरा 8 फिट का डोर दिया गया हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो प्रॉपर स्टॉपर लगे हुए हैं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल करी गई हुई है। फ्रंट पर ये आपका विंडो आ जा रहा है, विंडो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा साइड में पैनल दिया गया है, प्रॉपर रोशनी भी है। और यहाँ पे इस यहाँ से आप उस विंडो को ओपन कर सकते हैं। सेफ्टी पर्पज़ से यहाँ पे आपको आयरन का जाल भी लगा कर दिया गया हुआ है। ये पेंट नहीं है, ये पीछे पूरा पीवीसी की पैनलिंग करी गई है। तो ये तो लाइफ टाइम मान के चलिए कि आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया गया हुआ है, जिसमें कि आपको लाइफ टाइम यहाँ पर कभी कोई पेंट नहीं कराना। और डिज़ाइनर यहाँ पे पीवीसी पैनल दिया गया हुआ है, ये हीट रेजिस्टेंट भी होता है आपके लिए। और यहाँ पे मान लीजिए पानी गिर गया, कुछ हो गया, आप उसको कपड़े से साफ़ कर देंगे तो ईज़िली ये साफ़ भी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा देखेंगे, ये ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग ये पूरे में आपका पीवीसी पैनलिंग का काम करके दिया गया हुआ है। मकान की अगर आप हाइट देखेंगे तो ये पूरी 11 फुट की हाइट दी गई है मकान की, और फॉल सीलिंग कम्प्लीट करके दिया जा रहा है। पंखे जो आप देख रहे हैं, फ़ैन देख रहे हैं, ये सब डिज़ाइनर पंखे उषा कंपनी के लगे हुए हैं। ये सब फिटिंग्स करके आपको दिया जा रहा है। और आपके जो फ़ैन है, जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, जितने भी आपकी एलईडी लाइट लगी हुई है, ये सब कुछ फिट करके आपको दिया जा रहा है। जब आप फ्लोरिंग देखेंगे तो 2x4 की यहाँ पर जो फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया गया है। ड्राॅइंग रूम का स्पेस है कि यहाँ पर आप अपना सोफ़े वगैरह है, कॉफ़ी टेबल है, ये वो लगा सकते हैं। पीछे आपका खूबसूरत पैनल दिया गया हुआ है। और इस साइड पे आप अपना चाहें तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। 4 सीटर 6 सीटर की एक अच्छी बड़ी डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्विच और सॉकेट का यहाँ पे दिया गया हुआ स्पेस दिया गया है। और इसी के ठीक सामने आप देखेंगे तो किचन का काम किया गया हुआ है, जो कि पूरा मॉड्यूलर किचन बना करके दिया जा रहा है। किचन में भी आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग पूरी कम्प्लीट है यहाँ पर। साइड पर यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम आ रहा है, जो कि अगर गेस्ट वगैरह आए हैं तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखिए तो ये पूरा जो हाइट है दरवाजे की पूरी 8 फिट की पूरी हाइट दी गई है, डिज़ाइनर दरवाजे लगे हुए हैं पूरा। और बाथरूम देखेंगे आप तो आपको किसी होटल से कम का बाथरूम ये नहीं दिखाई देगा। ये पूरी 8 फिट तक ये पूरी टाइल्स लगी हुई है, और सारी टाइल जितनी है ये सब आप देखिए बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट में दिया गया है। लाइट शेड के सामने डार्क शेड का कंट्रास्ट दिया गया हुआ है, और 8 फुट तक पूरी टाइल्स लगी है, और 2x4 की सारी टाइल्स लगी हुई है। ऊपर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर डक्ट दिया गया हुआ है। और नीचे यहाँ पर आपका ये वॉल माउंटेड अगर आप देखेंगे तो वॉश बेसिन दिया जा रहा है। ये सब कोलर कंपनी के देखिए सारे टैप लगे हुए हैं, आपको यहाँ पे ब्रांड भी दिख रहा होगा कोलर कंपनी का, अपने आप में ये इंटरनेशनल ब्रांड आता है। जितनी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न सीट लगी है ये वॉल माउंटेड है, ये भी आपकी कोलर कंपनी की लगा के दिया जा रहा है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो शावर और टैप लगा के दिया गया हुआ है। यहाँ पर ये टैप का पॉइंट हो गया, ये शावर का पॉइंट हो गया, और गीज़र लगाने के लिए भी यहाँ पे पॉइंट करके दिया गया है कि सीधा आप यहाँ पर गीज़र को इंस्टॉल कर लीजिए। कलर देखेंगे बहुत ही खूबसूरत डार्क ब्राउन शेड में दिया गया हुआ है। 2x2 की टाइल्स लगी है, जो एंटी स्किड टाइल्स है यहाँ पर, ताकि स्किड वगैरह अगर बच्चे चबी नहा रहे हैं तो आप स्किड ना करें यहाँ पर। अब इसी से लगा हुआ अगर आप देखेंगे तो एक बेडरूम ये आता है और हमारे लेफ्ट में एक मास्टर बेडरूम आता है। अगर हम इस रूम की बात करते हैं तो अंदर भी फॉल सीलिंग पूरा कंप्लीट करके दिया जा रहा है और डिज़ाइनर फॉल सीलिंग है और अच्छी डिज़ाइन है, बहुत ही स्टैंडर्ड डिज़ाइन में चीज़ें करके दी गई है। तो अगर आप अपना बेड लगाते हैं तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्विच और सॉकेट दिया गया हुआ है। इधर भी पॉइंट दे दिया गया है ताकि यहाँ पे भी अगर आप टीवी पैनल वगैरह लगाना चाहें, चाहे आप इधर लगा लीजिए या फिर आप इधर भी लगा सकते हैं, इसके लिए भी इधर भी पॉइंट दिया गया है। क्योंकि जो साइज़ है ये 10.5x14 की है, जिसके अंदर आपको जो अगेन जो टाइल्स देखेंगे ये पूरा आपका बेहतरीन डिज़ाइनर टाइल्स लगाई गई है। 2x4 की सारे टाइल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट पे एक बड़ी विंडो दिया जा रहा है कि प्रॉपर वेंटिलेशन भी रूम के अंदर रहे, और विंडो के बैक साइड आपका OTS आ जाता है। दोस्तों देखिए, ये अब हम मास्टर बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, ये पूरा एक बड़ा साइज़ का रूम दिया गया हुआ है, तकरीबन 10.5x14 का ये भी स्पेस इस रूम का भी है। पर भी आप देखेंगे तो मिनी MCB डाला गया हुआ है, स्विच और सॉकेट यहाँ पर भी दिया जा रहा है, एंकर कंपनी के सारे स्विच और सॉकेट लगाना चाहें LED वगैरह उसके लिए भी यहाँ पर स्विच और सॉकेट एक्स्ट्रा डाला गया हुआ है यहाँ पर। मतलब कोई भी काम आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको टी पैनल लगाना है, गीज़र लगाना है, AC लगाना है, हर एक चीज़ की फिटिंग ऑलरेडी करके दी गई है। आपको सिर्फ चीज़ें लानी है और इंस्टॉल कर देनी है। इस रूम में भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा प्रॉपर फॉर सीलिंग इसमें भी करी गई है। तो पूरे मकान के अंदर आप चाहे ड्राइंग रूम में देखेंगे, किचन में देखेंगे, लॉबी में देखेंगे, दोनों बेडरूम में देखेंगे, पूरी फॉर सीलिंग करके दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं इसके रूम से। देखिए, अटैच है यहाँ पे आपका पीछे OTS का स्पेस, और एक बहुत बड़ा OTS का स्पेस दिया गया है कि यहाँ पर पूरा जाल बना हुआ है और ये पूरा आपकी सेफ्टी पर्पज़ में भी काम आएगा, और प्लस रोशनी वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पर आएगी। तो ये इस रूम का OTS था, जो हमारा सेकेंड रूम है। तो सेकेंड रूम से OTS का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, और जो मास्टर बेडरूम है उस रूम से भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे अटैच बाथरूम भी दिया गया है। यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह है थोड़ा डिफरेंट है उस रूम से। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे आप देखिए तो ये जो स्टील की रेलिंग लगा करके दी गई है, और हैवी स्टील का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया हुआ है। और जो सीढ़ी पे के जो स्टेप है ये भी आप देखेंगे तो ये आपके एक प्रॉपर अच्छे स्टेप दिए गए हैं, छोटे स्टेप नहीं दिख रहे हैं आपको। अब ब्लैक ग्रेनाइट का यहाँ पर काम किया गया हुआ है। चलते हैं बालकनी के स्पेस में। जब हम स्टेयर से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर फ्रंट पे आपको बालकनी का स्पेस आएगा। तो और फ्रंट पे ये आपके रूम की विंडो आ रही है। बालकनी स्पेस में जाता है, और एक डोर आपका जाएगा ऊपर के रूम में। ऊपर के रूम में भी आप देखेंगे तो एक रूम की साइज आपको मिलेगी 12x14 की, मतलब कि ऊपर भी एक अच्छा बड़ा बेडरूम है कि एक मास्टर बेड, वार्डरोब और चेयर वगैरह लगाने के बाद भी आपको स्पेस आती है। ऊपर भी आप देखेंगे तो पूरी ये डिज़ाइनर फॉल सीलिंग मिल रही है आपको, फ़ैन का स्पेस मिल रहा है, AC का पॉइंट है, पावर पॉइंट है। यहाँ पर भी आप देखिए, इसके यहाँ पर भी पॉइंट डाला गया हुआ है। फ्रंट पर आपको विंडो मिल रही है, क्योंकि बालकनी से व्यू आप देख सकते हैं रूम के अंदर से। बाथरूम में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपका 8 फुट का डोर इसमें भी दिया गया है। जब आप बाथरूम में आएंगे यहाँ पे अगेन आपको टाइल्स थोड़ा डिफरेंट दिखेगी यहाँ पर अगेन, ये भी पूरी एंटी स्किड टाइल्स है। वॉल पे टाइल्स देखेंगे आप, ये पूरी फुल कवर कर दिया गया है, 11 फुट की पूरी टाइल्स कवर कर दिया गया है। कोलर कंपनी के अगेन इसके यहाँ पे शावर है, टैप है, ये सब कोलर कंपनी के लगा कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो वेस्टर्न सीट ऊपर भी लगा करके दिया जा रहा है, और वॉल बेसिंग यहाँ पर आ रही है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।
तो अगर ये प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप हमको कॉल करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम किसी दूसरे वीडियो में या फिर इसी साइट के ऊपर साइट विजिट करते हुए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।